Hello learners, I am Vinita Pant from Department of Psychology, Uttarakhand Open University, Haldwani. And in today's lecture, the topic we are going to study is intelligence, जिसे हिंदी में हम बुद्धि कहते हैं. तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का अर्थ क्या है, उसका प्रकृति क्या है. उसके अलावा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के सिद्धांत, तथा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड आईक्यू यानी मानसिक आयु क्या होती है, तथा आईक्यू कैसे निकाला जाता है या आईक्यू क्या है. इंटेलिजेंस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिगर विच मीन्स टू अंडरस्टैंड. जो शब्द इंटेलिजेंस है वो लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिगर से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है समझना. वहीं अगर हम भारतीय साहित्य की बात करें तो भारत में जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उसमें इंटेलिजेंस के लिए बुद्धि शब्द का वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ होता है स्वचेतना या फिर जो निर्णय लेने की हमारी क्षमता होती है और सही रास्ते चुनने की जो क्षमता होती है उसको बुद्धि से जोड़कर देखा गया है. अगर हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी गई थी इंटेलिजेंस की वो बोरिंग ने दी थी. उन्होंने कहा था इंटेलिजेंस इज़ व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स. लेकिन ये जो परिभाषा थी ये अधिक समय तक प्रचलित नहीं रही और इसके बाद बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंस या बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया. उसी क्रम में वेशलर की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है. अकॉर्डिंग टू वेशलर, इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पजफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट. यानी कि एक ऐसी समग्र क्षमता जो कि व्यक्ति को तार्किक रूप से तर्क करने और सही निर्णय लेने, वातावरण के साथ में एडजस्टमेंट या समायोजन करने में हेल्प करती या मदद करती है. इसके अलावा नीजर ने इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हुए बताया है कि इंटेलिजेंस इज इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, टू अडैप्ट इफेक्टिवली टू द एनवायरमेंट एंड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, टू एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग एंड टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स बाय टेकिंग थॉट. यानी कि उन्होंने इसको एक जटिल क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें कि हम जो जटिल विचार होते हैं उनको समझने, उसके अलावा वातावरण के साथ सही रूप से समायोजन करने और अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता के रूप में इसको देख सकते हैं. अगर हम बुद्धि के प्रकृति का वर्णन करते हैं तो हम देखेंगे इट इज़ एन इननेट मेंटल एबिलिटी विच ग्रोज एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट. यानी कि ये एक इननेट मेंटल एबिलिटी तो होती ही है लेकिन इसमें वातावरण का भी प्रभाव देखा गया है, तो इसको एक एज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोला जा सकता है. इट शोज़ द कैपेसिटी टू अडेप्ट टू न्यू और चेंज सिचुएशन क्विकली एंड करेक्टली. आप कितनी अच्छे तरीके से, कितनी जल्दी से किसी नई सिचुएशन में अडेप्ट कर लेते हैं, ये आपकी बुद्धि को दर्शाता है. इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग, क्रिटिसिज, रैशनल एंड जजमेंट. तर्क करने की क्षमता, क्रिटिसाइज करने की क्षमता, सही से जजमेंट लेने की क्षमता, ये भी एक बुद्धि के लक्षण है. एंड इट इम्प्लाइज द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व डिफिकल्ट टास्क एंड प्रॉब्लम्स. इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखे जा सकते हैं. यानी कि कोई व्यक्ति अधिक बुद्धि का होगा या कोई व्यक्ति न्यून बुद्धि का हो सकता है. इसके आधार पे हम आईक्यू के बेस पे हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं कि वो किस बुद्धि स्तर के हैं. इंटेलिजेंस फॉलो अ ग्रोथ पैटर्न एज पर द एज. इट रीचेज टू द मैक्सिमम एट 16 to 20 ईयर्स, देयर आफ्टर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज. 10 ईयर्स तक की इंटेलिजेंस जो है वो एक अच्छी ग्रोथ पैटर्न फॉलो करता है, उसके बाद वो स्लो हो जाता है या उसमें हॉरिजॉन्टल ही ग्रोथ देखने को मिलती है. स्टडीज़ हैव नॉट फाउंड रिलेशनशिप ऑफ इंटेलिजेंस विद सेक्स इन एजुकेशन. यानी कि जो मेल या फीमेल हैं उनमें इंटेलिजेंस को लेके बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं देखा गया है. इसके अलावा एजुकेशन का भी इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति अगर अनपढ़ भी है तब भी उसमें बुद्धि की क्षमता होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो उसमें बुद्धि नहीं होगी या उसमें इंटेलिजेंस नहीं होगा. इंटेलिजेंस इज़ नॉट मेमोरी, एज इवन विदाउट मेमोरी इंटेलिजेंस इज़ पॉसिबल. अगर हम मेमोरी से इसको जोड़ के देखें तो यह गलत होगा, क्योंकि मेमोरी होना एक इंटेलिजेंस व्यक्ति होने का लक्षण नहीं है, बल्कि इसका मेमोरी से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है. इंटेलिजेंस कैन बी सीन इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर. व्यक्ति नॉर्मल बिहेवियर का हो या उसमें अबनॉर्मल लक्षण हो या वो डिसऑर्डर से पीड़ित हो, फिर भी उसमें इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा. अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक के अनुसार उन्होंने
थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे, जिसमें आता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस. कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को हम मूर्त बुद्धि बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को हम अमूर्त बुद्धि भी बोलते हैं, और सोशल इंटेलिजेंस को सामाजिक बुद्धि भी बोलते हैं. अमूर्त बुद्धि जो होती है वो वर्ड्स, नंबर्स, फिगर्स आदि से जुड़ी हुई क्षमता होती है. इस तरह की जो क्षमता होती है वो आप अध्यापकों में, फिलोसफर्स में, इसके अलावा जो पेंटर्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं उनमें ज़्यादा देख सकते हैं. कंक्रीट इंटेलिजेंस या जो मूर्त बुद्धि होती है वो क्षमता जो होती है वो आपकी होती है कि आप रियल सिचुएशंस में कितना अधिक चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं. इस तरह की जो बुद्धि होती है वो मैकेनिक्स या इंजीनियर्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलती है. इसके अलावा जो सोशल इंटेलिजेंस है या सामाजिक बुद्धि है, उसका अर्थ होता है कि आप सोशल सिचुएशंस में कितना जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं, सोशल रिलेशनशिप कितने अच्छे से बना पाते हैं. इस तरीके की जो बुद्धि होती है वो लीडर्स में, जो डिप्लोमैट्स होते हैं या जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से जो कॉन्टेक्ट लोग करते हैं उनमें ज़्यादा होती है. जो नेता होते हैं इस तरीके की बुद्धि के अधिक देखे जाते हैं. अब अगर हम थ्योरीज़ की बात करते हैं तो जो इंटेलिजेंस थ्योरी है उनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, फैक्टर थ्योरीज एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी. फैक्टर थ्योरी जिसे कारक सिद्धांत बोला जाता है और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जिन्हें प्रक्रिया आधारित सिद्धांत बोला जाता है. फैक्टर थ्योरीज के अंदर हम मल्टीपल यूनिफैक्टर थ्योरीज एंड मल्टीफैक्टर थ्योरीज को पढ़ते हैं. यूनिफैक्टर यानी एक कारकीय सिद्धांत तथा बहुकारक सिद्धांत, जिसमें कुछ मुख्य सिद्धांत हैं स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, गिलफोर्ड थ्योरी, इसके अलावा गेटल थ्योरी भी इसमें आती है. प्रोसेस ओरिएंटेड जो थ्योरीज होती हैं वो व्यक्ति की जो बुद्धि की क्षमता है वो किस आधार पे, उसकी उम्र बढ़ने के साथ उसमें क्या ग्रोथ होती है, इस पे आधारित होती हैं. इसमें जो मुख्य सिद्धांत हैं वो है पियाजे थ्योरी, स्टर्नबर्ग थ्योरी एंड जैनसन थ्योरी. फैक्टर थ्योरीज जो है वो बुद्धि को कारकों में विभाजित करते हुए देखती है कि बुद्धि एक कार्य की क्षमता है या बहुकार्य की क्षमता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, यानी जिसे स्पीयरमैन का द्विकारकी सिद्धांत बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली. जो स्पीयरमैन है उन्होंने इंटेलिजेंस को दो भाग में डिवाइड किया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक. इसे जी फैक्टर या एस फैक्टर भी बोला जाता है. द परफॉर्मेंस ऑफ एनी टास्क डिपेंड्स ऑन जी फैक्टर और जनरल एबिलिटी एंड द पर्टिकुलर एस फैक्टर और स्पेसिफिक एबिलिटी. तो स्पीयरमैन का मानना था कि किसी भी टास्क को करने के लिए हमें जनरल फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है, उसके साथ साथ हमें स्पेसिफिक फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि उस स्पेसिफिक टास्क से संबंधित होते हैं. यानी जी फैक्टर हर टास्क में लगेगा लेकिन उसके साथ ही उस टास्क से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक फैक्टर, इंटेलिजेंस फैक्टर भी उस टास्क में लगेगा. तो उसको कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है या शो किया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आई इक्वल्स टू जी प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री और S4, where S1, S2, S3 and S4 are specific mental abilities. Like आप अगर सिंगिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो आपकी सिंगिंग या म्यूजिक से जुड़ी हुई जो बौद्धिक क्षमता है वो उसमें लगेगी, या आप पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो आपकी पढ़ने से जुड़ी हुई अकेडमिक जो बुद्धि क्षमता है वो उसमें लगेगी. तो इस प्रकार से स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ को इन्होंने बताया. इसके अलावा उन्होंने बोला कि जी फैक्टर जो होता है वो इननेट या फिक्स जो होता है, क्योंकि हमें वो बाय बर्थ मिलता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा जो एस फैक्टर होता है वो लर्नड होता है, यानी कि हम उसे अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं और वो फिक्स नहीं होता है, उसे ट्रेनिंग के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं. अब हम बात करते हैं थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी. लुईस एल थर्स्टन, instead of viewing intelligence as a single general ability focused on nine different primary factors, these primary factors are independent of each other. लुईस थर्स्टन ने बोला कि जी फैक्टर जैसा कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि जो होती है वो अलग अलग प्राइमरी फैक्टर से मिलकर बनी होती है, और इसको थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी बोला जाता है. उन्होंने बुद्धि को नौ भागों में विभाजित किया, जैसे प्राइमरी फैक्टर्स बोला, जिसमें कि स्पैटियल फैक्टर आता है जिसे हम SCB डिनोट करते हैं, दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन विजुलाइजिंग शेप्स, कितने अच्छे से आप विजुलाइज कर सकते हैं शेप्स वगैरह को. वर्बल फैक्टर जिसे V से डिनोट किया जाता है, कंसर्न्ड विद कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्बल आइडियाज़. एंड वर्ड फ्लुएंसी जिसे W से डिनोट किया जाता है, इन्वॉल्व वेयर एवर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू थिंक और आइसोलेट वर्ड्स इन रैपिड रेट. न्यूमेरिकल फैक्टर जिसे N से डिनोट किया जाता है, इट इज़ एन एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस फास्टली. उसके अलावा मेमोरी फैक्टर सैम से डिनोट किया जाता है, इट्स एन एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली. उसके अलावा उसमें आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, जिसे हम इन्फ्रेंसेस निकालने की क्षमता से जोड़कर देखते हैं. परसेप्चुअल फैक्टर
जिसे एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. उसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर विच इज एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ जनरलाइज्ड रिजल्ट्स, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर विच इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली. इसके बाद आती है गिलफोर्ड्स मल्टी फैक्टर और थ्री डायमेंशनल थ्योरी. गिलफोर्ड ने इंटेलिजेंस को एक थ्री डायमेंशनल क्यूब के फॉर्म में शो करने का प्रयास किया. सो गिलफोर्ड हैज सजेस्टेड दैट देयर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्ट: ऑपरेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कंटेंट्स विच इज वॉट वी थिंक अबाउट, एंड प्रोडक्ट द एंड रिजल्ट ऑफ अवर थिंकिंग. यानी ऑपरेशन एंड कंटेंट्स के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो गिलफोर्ड ने अपनी जो थ्योरी है उसको थ्री डायमेंशनल फॉर्म दिया, जिसमें कि ऑपरेशन को फॉलोइंग एरियाज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉग्निशन विच मीन्स बिकमिंग अवेयर, डिस्कवर कॉम्प्रीहेंड, मेमोरी रिकॉर्डिंग विच मीन्स इनकोडिंग द इन्फॉर्मेशन, मेमोरी रिटेंशन विच मीन्स एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग विच इज एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन, एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग विच मीन्स प्रोड्यूसिंग सिंगल सॉल्यूशन इवेल्युएशन, विच मीन्स एबिलिटी टू जज सिमिलैरिटी डिफरेंसेस एंड द बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट. देन कंटेंट्स में हम आते हैं, देखते हैं विजुअल कंटेंट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन जो हम देखते हैं उसके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम देखते हैं. ऑडिटरी में जो हमें सुनाई देता है उन चीज़ों को हम रखते हैं. सिम्बॉलिक में जो हमें सिंबल्स या साइंस दिखते हैं उनको हम रखते हैं. इसके अलावा सिमेंटिक में हम वर्ड्स एंड सेंटेंसेज या ओरल और रिटन फॉर्म की जो चीज़ें होते हैं उन्हें रखते हैं. बिहेवियर मीन्स द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल और वेरियस इंडिविजुअल्स. उसके अलावा इन दोनों के ऑपरेशन से जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसको उन्होंने इतने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस को रखा जाता है. यूनिट मीन्स सिंगल आइटम्स ऑफ नॉलेज लाइक वर्ड, शेप्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा. एंड क्लासेस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग यूनिट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड एट्रीब्यूट्स. रिलेशंस मीन्स लिंकिंग यूनिट ईदर एज अपोजिट, एसोसिएट्स, सीक्वेंस और एनालॉग्स. सिस्टम मीन्स मल्टीपल रिलेशन बिटवीन यूनिट टू क्रिएट नेटवर्क और स्ट्रक्चर्स. ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स चेंजेस और पर्सपेक्टिव और नॉलेज इम्प्लीकेशंस. और इम्प्लीकेशंस मीन्स प्रेडिक्शन, इन्फ्रेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज. लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, इस तरह से थ्री डायमेंशनल फॉर्म में गिलफोर्ड ने अपने जो फैक्टर थे उनको दिया था, जिसको SOI मॉडल भी बोला जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसमें कि आप एक साइड से या जो उसके थ्री डायमेंशन्स होते हैं क्यूब को उनको डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं. ऊपर की साइड्स में आप देख रहे होंगे कि कंटेंट, और एक साइड से आप देख सकते हैं ऑपरेशन, एक साइड से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओवरऑल प्रोडक्ट या सेल निकल के आते हैं उसको हम बोलते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने उन्होंने बना के दिए थे. तो जो गिलफोर्ड का जो प्रीवियस मॉडल था उसमें 120 सेल्स थे, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया तो इसमें 5 × 5 × 6 यानी कि 150 सेल्स टोटल निकल के आए. इसके बाद हम प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में आते हैं, जिसमें पियाजे की थ्योरी को हम जानेंगे. जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू फोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट. जीन पियाजे ने डेवलपमेंट के आधार पे एक अपनी इंटेलेक्चुअल थ्योरी दी थी, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एक्चुअली बोला जाता है. उन्होंने बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो चार स्टेजेस से गुजरते हैं मेंटल डेवलपमेंट की, एंड चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट अंटिल दे रीच अ पर्टिकुलर पियाजे स्टेज. यानी कि जो उनकी पर्टिकुलर स्टेजेस हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको उसी स्टेज में आके करते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज सेंसोरीमीटर स्टेज विच इज़ फ्रॉम बर्थ टू 2 years. चिल्ड्रन लाइक टू एक्सप्लोर एट द सेंसोरीमीटर स्टेज. दे वॉन्ट टू वॉच, हियर, टेस्ट डिफरेंट थिंग्स अराउंड दैम. सो लाइक आप देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो जगह जगह चीज़ों को छूते हैं, उनको मुंह में डालते हैं या उनको सेंस करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज सेंसोरी मोटर स्टेज. देन सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ फ्रॉम 2 to 7 years, इन विच द चिल्ड्रन लर्न हाउ टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अंडरस्टैंड सिम्बॉलिक कॉन्सेप्ट्स एंड यूज लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन. चिल्ड्रन अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस वेरी वेल बट नॉट कंजर्वेशन. ऑब्जेक्ट परमानेंस को वो समझ चुके होते हैं बट उस कंजर्वेशन को नहीं समझ पाते हैं. यानी कि जैसे आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो थोड़ी देर तक उसको आपसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो उसकी आंखों से ओझल हो जाता है. वो कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता है कि वो ऑब्जेक्ट अभी भी वहीं पर है. उसके अलावा जो उनकी थर्ड स्टेज थी वो थी कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ फ्रॉम 7 to 11 years. बाय दिस टाइम दे रीच द स्टेज वेयर चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड मच मोर कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज टाइम, स्पेस, क्वांटिटी. चिल्ड्रन आर एबल टू यूज इंडक्टिव लॉजिक एज वेल एंड द आइडिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी.
Then last stage is formal operational stage, which is from 11 years and older. And in this stage, children learn more abstract thinking, hypothetical and theoretical reasoning. They are no longer bound to observable and physical events. बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो चुकी होती है. शायद इसी वजह से जब स्कूल्स में इस एज में बच्चे आ जाते हैं तो उनको आंसर्स खुद लिखने के लिए बोला जाता है या उनको तरह तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह की दी जाती हैं कि उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या उनकी रीजनिंग है वो इम्प्रूव हो. अब हम आते हैं मेंटल एज के कॉन्सेप्ट्स में. साइकोलॉजिस्ट हैव टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ एज. वन इज क्रोनोलॉजिकल एज और अदर इज मेंटल एज, जिसे तैथिक आयु तथा मानसिक आयु के नाम से जाना जाता है. तैथिक आयु जो हमारी होती है, इट इज़ द एज फ्रॉम बर्थ टिल प्रेजेंट. अगर कोई बच्चा अभी 2 साल की टाइम उसने पास किया है बर्थ से लेके, तो हम उसकी एज को 2 साल कहेंगे, यानी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 2 ईयर्स है. इसी तरह से अगर कोई 7 साल किसी को बर्थ से हो गए हैं तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 7 ईयर्स होगी. मेंटल एज स्कोर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग अ चाइल्ड्स स्कोर विद एवरेज स्कोर्स ऑफ हिज एज मेट्स एंड विद स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय यंगर और ओल्डर चिल्ड्रन इन द नॉर्मिंग ग्रुप. इसको जो मेंटल एज है उसको साइकोलॉजिस्ट ने कुछ टेस्टिंग के थ्रू जो बच्चे होते हैं उनकी स्वयं की जो एज ग्रुप्स के बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर करके तथा उनसे यंगर या उनसे जो ओल्डर बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर करके बनाया है. तो जो मेंटल एज होती है वो इक्वल भी हो सकती है क्रोनोलॉजिकल एज की, उससे कम भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. अगर कोई बच्चा 7 ईयर का है जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज 7 ईयर है, तो हो सकता है उसकी मेंटल एज 6 ईयर भी आ सकती है या उसकी मेंटल एज 10 ईयर्स भी आ सकती है. Binet and Simon developed first intelligence test in 1905 and expressed intelligence in terms of mental age. सबसे पहले जो टेस्ट डेवलप किया था बिने एंड साइमन ने 1905 में, उसमें उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था और उसी के आधार पे उन्होंने बच्चों को क्लासिफाई किया था. लेकिन लेटर टर्मन रिवाइज्ड इट एंड डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ व्हिच इज नोन एज इंटेलिजेंस कोशेंट. इट इज़ नोन एज कोशेंट बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटेड थ्रू अ फॉर्मूला विच इज MA/CA into 100. MA is mental age, CA is chronological age, and we multiply it by 100 to avoid decimals. For example, if mental age is 5 years, chronological age is 4 years, IQ will be 5/4 into 100, which is equals to 125. And further, it is classified it is above average or below average. Psychologists ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है जिसके थ्रू हम इसको एवरेज, अबव एवरेज या बिलो एवरेज या मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं या सुपीरियर की कैटेगरी में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सीए यानी जो क्रोनोलॉजिकल होती है एज होती है, इसको हम यहाँ पे क्या रखते हैं, मैक्सिमम 16 ईयर्स और व्हाट इज़ एक्चुअल इफ लेस देन 16 ईयर्स. इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि 10 ईयर्स तक या 16-18 ईयर्स तक जो हमारा इंटेलिजेंस है वो काफ़ी रैपिडली डेवलप करता है और उसके बाद वो स्लो हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था. इसलिए अगर हम डिनोमिनेटर या CA को बढ़ाते रहेंगे तो एक एज आने के बाद व्यक्ति का जो IQ है वो डिटेरिएट होता रहेगा, यानी क्वेश्चन जो उसका आएगा वो डिटेरिएट होते हुए आएगा. यानी कि अगर एक बच्चे का IQ हमने 16 ईयर्स या 15 ईयर्स की एज में जो कैलकुलेट किया था और वो अबव एवरेज था, तो हो सकता है उसी IQ के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम लेटर 30 ईयर्स में उसको कैलकुलेट करें तो वो IQ कम आ सकता है. इसीलिए यहाँ पे CA को जो है कॉन्स्टेंट रख दिया जाता है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 16 ईयर्स. इट गिव्स रेट ऑफ डेवलपमेंट. एंड जो MA होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंक्रीज नहीं होती है, मिडिल टीन्स तक ही बढ़ती है. दस दिस रेशियो IQ इज़ नॉट मच यूजफुल विथ एडल्ट. लेटर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन IQ वॉज ऑल्सो डेवलप्ड दैट यूजेज द टेबल ऑफ नॉर्म्स रेदर देन क्लासिकल फॉर्मूला ऑफ IQ. इसी चीज़ को हटाने के लिए या कम करने के लिए बाद में डेविएशन IQ का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसमें कि IQ का कन्वेंशनल फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए एक टेबल ऑफ नॉर्म्स यूज़ की जाती है जिसके आधार पर हम व्यक्ति का IQ कैलकुलेट करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी ट्राई टू स्टडी द नेचर एंड मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ mental age in IQ. So this is all for today's lecture. Thank you.